कल हम लोग देखे थे कॉन्सेंट्रिक सेल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वहाँ से क्वेश्चन आने हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, बोर्ड एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम से क्या क्लियर ही है, इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वल पोटेंशियल रहेगा सरफेस पर। इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल पूरे सरफेस पे क्या रहेगा, इक्वल पोटेंशियल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज मान लो कोई स्पेशल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, यदि उसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करो, यहाँ करो या यहाँ करो या यहाँ करो या यहाँ करो, किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालोगे, सब जगह क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू अपॉन आर, यदि रेडियस इसका आर है, तो ये पूरा सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे स्फीयर है, सेंटर पर चार्ज क्यू लग दिए और सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, तो सब जगह क्या है पोटेंशियल, यहाँ से वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी थ्री इक्वल टू वी फोर इक्वल टू वी फाइव इक्वल टू वी सिक्स एंड व्हाट इज वैल्यू, के क्यू अपॉन आर। तो ये सरफेस कैसा हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, तो सरफेस क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल, ये तो क्लियर हो गया। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल, हर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी ए, 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 हम क्या देख रहे हैं, इक्विपोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपका सरफेस तो यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दोनों के बीच में एंगल आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर 90 डिग्री, यही सरफेस है ना, और इसके नॉर्मल मेरा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के बीच में एंगल कितना रहा है, 90 डिग्री, एंगल कितना रहा है, 90 डिग्री। इट मीन्स यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यदि कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो उस सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा उसका, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो जब भी सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री, और एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, आगे के भी एग्जाम्पल में देखेंगे, राइट। तो एक टू एक एग्जाम्पल हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का। उसी तरह से आप कॉन्सेंट्रिक सेल देखिए, कॉन्सेंट्रिक सेल जो कल हम लोग स्टडी कर रहे थे, कॉन्सेंट्रिक सेल जैसे ये मान लेते हैं रेडियस आर है इसका, दूसरा सेल और एक कंसिडर किए कॉन्सेंट्रिक सेल, तीसरा सेल एक और कंसिडर किए, इसका रेडियस मान लेते हैं 2R, इसका रेडियस 4R, लाइक दैट, ठीक। तो ये सेल A हो गया, ये सेल B हो गया, ये सेल C हो गया। तो सेल A का सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा जब इस पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया जाए तो, के क्यू अपॉन आर। सेल बी का सरफेस वो भी इक्विपोटेंशियल, व्हाट इट्स वैल्यू, के क्यू अपॉन 2R। सेल सी का पोटेंशियल देखें तो क्या होगा, पोटेंशियल के क्यू अपॉन 4R। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमने बताया था ना एक कॉन्सेप्ट और मैं दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या दिया था, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जिसमें बताया था ना साइन का कोई खेला नहीं करना है,
डेल बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर जो किए थे वहां पर मैंने स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप आगे की तरफ बढ़ोगे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो यहां भी आप ध्यान से देखो कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल मेरा घटेगा। जैसे मान लो सेल ए का पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो सेल बी का पोटेंशियल 60 वोल्ट लेते हैं तो सेल सी का पोटेंशियल 20 वोल्ट। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये सब कॉन्सेप्ट एकदम पक्का दिमाग में सुट एकदम फैट बैठा रहना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल का सरफेस ऐसा ये क्या हो गया स्फीयर, यहाँ भी जो सेल है कॉन्सेंट्रिक सेल, हर सेल का सरफेस है, ये सरफेस जो होगा वो कैसा रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, उसके परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यदि चार्ज माइनस क्यू रहेगा तब क्या होगा, उल्टा इसका, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल निगेटिव होता है तो क्या होगा, ये -100 -60 -20 क्या हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज, -20 लार्जर देन -60। ये सारे ये नहीं कि साइन चार्ज चेंज कर दिया आप घबरा कर देख कर तब क्या होगा, यदि माइनस क्यू रखते हैं चार्ज तो पोटेंशियल निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में माइनस क्यू के कारण क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। राइट बेटे, ये सारे कॉन्सेप्ट रखने हैं। उसी तरह से मान लो लीनियर चार्ज है कोई, इसको मिटा दूं मैं, जैसे कोई इन्फिनाइट रॉड है, कोई इन्फिनाइट रॉड है, जिसे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो लाइन चार्ज यदि इसको प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या देखे थे, इसके परपेंडिकुलर होता है, इसके परपेंडिकुलर, वहां दो फॉर्मूला निकाले थे कि परपेंडिकुलर और पैरेलल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालना होगा तो इसके क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, कुछ याद आ रहा बेटे, इक्वल टू कैसे निकाले थे, कुछ याद आ रहा है, गॉसेज लॉ निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से जल्दी निकालते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन है। गॉसेज लॉ क्यों पढ़े थे, जो फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे शुरुआत में, गॉसेज लॉ, E dot ds इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या था कि हम लोग मान लेते हैं गॉसियन सरफेस यहाँ पर किस तरह का होगा, इस सिलेंडर होगा जिसका कि लेंथ एल कंसीडर कर लेते हैं सिलेंडर का, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रॉड का मान लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो एरिया कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस कैसा हो गया सिलेंडर। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, थ्री सरफेस हो गए, एक कर्व सरफेस, एक टॉप, एक बॉटम। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ क्योंकि यहाँ पे देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एरिया वेक्टर डीएस का डायरेक्शन ये हो गया, तो ये 90 डिग्री कॉस 90 यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ई डॉट डीएस है ना कॉस 90 जीरो, तो टॉप बॉटम के कारण फ्लक्स जो लेफ्ट हैंड साइड में है जीरो रहेगा, सिर्फ कर्व सरफेस के कारण रहेगा। तो मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉन्स्टेंट हो गया, डीएस कितना हो जाएगा, सिलेंडर है कर्व सरफेस 2 पाई आर इंटू लेंथ, क्यू इंटरनल कितना हो जाएगा, लैम्डा दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो सिग्मा इंटू एल सिलेंडर का लेंथ है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एल उड़ गया,
तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोल जाओ तो याद रखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कर्व सरफेस का टू पाई आर है। हाँ, टू पाई आर सर्कमफ्रेंस बेसिक हमेशा। अच्छा, ये पेज है, ये पेज यही है ना बेसिक। आप इसको खोलेंगे तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ये कितना होगा, टू पाई आर। ये लेंथ एल टू पाई आर इंटू लेंथ, राइट बेटे। तो इसीलिए गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सारे फॉर्मूला को याद रखने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल गया, ठीक है। अब आ जाए कम टू टू पॉइंट। हम लोग तो क्या फाइंड आउट करने के चक्कर में है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा इसका, ठीक है। एक चीज और देखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहेंगे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही डायरेक्शन है, कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर। ये कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा, दूसरा चीज कि किसी भी पॉइंट पर, कर्व के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल यदि फाइंड आउट करते हैं सेम रहेगा। कर्व के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो सेम रहेगा, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल आप निकालेंगे। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अपना E डॉट, ये पॉइंट है ना, चेंज इन पोटेंशियल डेल V इक्वल टू माइनस E डॉट V R। हर का जितना भी ये देखो सब लिंक में है, क्योंकि इसका पोटेंशियल निकाले नहीं थे हम लोग सिलेंडर का, ऐसे लाइन चार्ज का। फॉर्मूला क्या था, डेल V इक्वल टू माइनस E डॉट V R। E का वैल्यू मालूम है, E का वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर देंगे। ये दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम क्या देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरा क्या हो गया, सिलेंड्रिकल का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। कर्व सरफेस कैसा होगा, कैसे निकालेंगे ये भी समझ में आ गया, राइट। तो यहां पर अपना, अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान देने का बात है कि कर्व सरफेस पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको मालूम रखा ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आप समझे इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं कर्व सरफेस पर। दो चीजें वहां कॉन्सेप्ट बताता है स्पेकल सेल का, पोटेंशियल फाइंड आउट करने में। सरफेस से बाहर किसी भी या सरफेस का किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं इनिशियल पॉइंट, इंफिनिटी कंसिडर कर लेते हैं, और जिस पॉइंट पे निकालना होगा वो फाइनल पॉइंट। सरफेस के अंदर निकलना रहता है, सरफेस के बाद कंटिन्यूटी ब्रेक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंटिन्यूटी ब्रेक होता है, इसीलिए फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या लेते हैं, कर्व सरफेस, और अंदर वाला जिस पॉइंट पे निकालेंगे उसको बार बार उस वीडियो को आप देखते रहिए, सो डैट कि आपका कॉन्सेप्ट बार बार, एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। वीक में जो भी पढ़ाया जाता है उसको एटलीस्ट टू टाइम्स कोशिश कीजिए टाइम निकालकर, दो बार रीडिंग, तब दिमाग में वो 20-25 दिन तक रहेगा। एक बात सोचिए आज पढ़ के उसको छोड़ दें, इट इज नॉट पॉसिबल। संडे अगेन रिवाइज, संडे के दिन कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, सिर्फ पूरे वीक में जो पढ़ाया गया है उसी को रिवाइज करना है। और जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उतना भी आप कवर कर लेते हैं तो कोई आपको एग्जाम से रोक नहीं सकता, राइट। तो कम से कम वीक में जो पढ़ाया जाता है उसको दो बार रिपीट होना बहुत मस्त है, तब आपके दिमाग में 20 दिन तक रहेगा। फिर आफ्टर 20 डेज के बाद अगेन रिवाइज, तब वो महीना भर में जाएगा। किसी के लिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, मीडियम हो, मैं तो डेफिनेशन मेरे में वो है ही नहीं कि इंटेलिजेंट बच्चा होता है ये मीडियम, ये आई डू नॉट कंसिडर। जो बच्चा रिवाइज करेगा वो इंटेलिजेंट है, जो नहीं करेगा इंटेलिजेंट भी रहेगा, आप रिवाइज नहीं करोगे आउटपुट जीरो मिलेगा, ठीक है बेटे। इसलिए रिवीजन मस्ट। तो क्योंकि पोटेंशियल यहाँ भी क्लियर हो गया मेरा, लाइन चार्ज के लिए, सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सारे प्लस टू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। पॉइंट चार्ज दे देगा, पूछेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस होगा, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्लस टू लेवल में रहेंगे। अब चलो प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेंशियल सरफेस
प्रॉपर्टीज क्या लिख लें जो बोर्ड एग्जाम के लिए पूछेगा। हाँ, हेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है बेटे। फर्स्ट प्रॉपर्टी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between any two point on equipotential surface is zero। कोई भी सरफेस है कर मान लीजिए जो भी सही है इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, बी जो फाइनल पॉइंट बी 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 माइनस बी ए इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। सेकेंड प्रॉपर्टी No work is done by electric force, no work is done by electric force moving a charge on equipotential surface। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या कर रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन जीरो होगा, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे। आ जाए डेफिनेशन क्या था इक्विपोटेंशियल का, डेल वी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, डेल वी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या था और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन क्या था, दोनों में दोनों का वैल्यू सेम था, सिर्फ साइन नेगेटिव रहता है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग क्या देखे थे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू माइनस साइन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के जो भी वर्क करेगा उसे माइनस साइन लगा देंगे,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या रहा था, कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, जब पोटेंशियल डिफाइन किए थे तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अभी यदि कोई टेस्ट चार्ज कहीं भी रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, चार्ज वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा अपने आप, एपटॉप दिया कोई भी क्या देखे थे, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही हुआ अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इसके फील्ड में यदि कोई भी आप टेस्ट चार्ज छोड़ते हो तो ये क्या होगा, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। तो यहाँ इसको यदि हम पकड़ के नहीं रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मूव करने लगेगा, ऑटोमेटिकली मूव करने लगेगा। हम क्या करते थे, इसके जस्ट जितना फोर्स लगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते थे, तभी ना दोनों फोर्स दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ, जो पोटेंशियल डिफाइन किए थे उस लेक्चर को अगेन यू सी वहाँ पर क्यों नेगेटिव चार्जेज है, इसमें अच्छी तरह से समझाया गया, राइट। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जितना रिविजन करते रहो करत करत अभ्यास, तभी सब कुछ होगा सफलता। हम जर्मती नहीं बोलते हैं, वो संस्कृत का है, करत करत अभ्यास तभी होगा डॉक्टर बनने का सपना, नहीं तो सपना सब देखते रह जाएंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता बेटे। उनके इंजीनियर बनने के लिए भी तो चाहिए मेहनत, कोई भी चीज़ के लिए पाने के लिए तपस्या करना ही पड़ेगा, बिना तपस्या के खसी पढ़ाई में ही नहीं जॉब में भी आपको तपस्या करना पड़ेगा। ये तो यही तो आपको ये पूरे लाइफ है, हर स्टेज में अलग अलग काम है। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने का तपस्या, स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद जॉब पर फाइल में आइएगा, वहाँ मेहनत करने की तपस्या, जिस फील्ड में ज़्यादा मेहनत कीजिए तो आप आगे बढ़िएगा। मैरिज होने के बाद बाल बच्चे फैमिली के लिए तपस्या, भाई वो यदि के लड़का कहेगा छोटा ये नहीं मानता, एक दूसरे को कंप्रोमाइज, लाइफ में आगे बढ़ना है तो एवरी टाइम तपस्या। बुढ़ापा आ जाएगा तो बेटा बेटा पर तो सब डांटने लगा, वो अलग तपस्या। तो यदि हम मैं देखूँ तो ये तपस्या जो है किसी भी स्टेज में छूटता नहीं है, और जो इसको फॉलो किया वो सक्सेसफुल रहा। चलें ठीक है बेटे, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल। जब हम यहाँ पर डेल बी मेरा जीरो हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में, हमने क्या देखा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो वर्क यदि ए से बी तक तो हमको जाना है, जब चेंज डेल बी ही जीरो हो गया तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी जीरो हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो हो गया तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया। वही लाइन ये पर है, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कोई भी काम नहीं किया जाएगा। तो इसको तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेल्टा भी जीरो है तो जीरो इनटू क्यू जीरो हो जाता है। हाँ हाँ भाई भाई जी, डेल भी जीरो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी वर्क डन जीरो होगा, यानी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इक्विपोटेंशियल पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप स्पेस में चले जाते हो, फ्री स्पेस में मूव करने के लिए कोई काम नहीं कर, आप अपने आप हवा मूव रहे हो, क्यों, ग्रेविटेशन जीरो है वहाँ। सिमिलरली यहाँ भी इक्विपोटेंशियल पर चार्ज रख दो, अपने कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप मूव करते रहेगा, राइट। तो ये सारे जो हैं आपको जैसे प्लस टू लेवल में पूछेगा, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस तरह से सारे पॉइंट्स को आपको लिखने पड़ेंगे। और क्या है आगे देखें, इसको मिटा दूं ना बेटे, नेक्स्ट क्या है फिर थर्ड पॉइंट, The direction of electric field, direction of electric field
इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी थोड़ी देर पहले बताया इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर रहेगा इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे स्टेटमेंट को कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे होगा मैथमेटिकली इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे वी नो वेरी वेल देयर वी इक्वल टू क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर डेल बी क्या हो गया इक्विपोटेंशियल के लिए जीरो तो ये जीरो हो गया अच्छा दो क्वांटिटी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर ठीक है ये इसका वैल्यू जीरो कब आएगा जब दोनों के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री होगा क्या होगा ये माइनस साइन मॉड ई मॉड डी आर कॉस थीटा का वैल्यू कब जीरो होगा थीटा का वैल्यू कब जीरो होगा जब 90 डिग्री कॉस जीरो तो वन होता है इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर क्या होगा जिस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो डी आर डिस्टेंस चल रहा राइट तो यहीं इस यहाँ से क्या हो गया ई और डी आर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा इसीलिए इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये दिमाग में सेट करके रखना है राइट उसके बाद आपको सरफेस दिया रहेगा और आपसे पूछेगा ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा और कहेगा आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए राइट जैसे फॉर एग्जांपल ये तो क्या प्रॉपर्टीज लिख कर काम खत्म प्लस टू के लिए ये तीन प्रॉपर्टीज लिखिए काम हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कम्पिटिटिव में थोड़ा आने की चांसेस बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस For uniform electric field. Electric field दिया हुआ है वो uniform है और हमें draw करना है equipotential surface. जैसे for example, uniform electric field कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल और दोनों के बीच में स्पेस सेम होना चाहिए स्पेस यदि कम होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है जितना घना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा जितने स्पेस ज्यादा उतने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा तो इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब एवरी के बीच में स्पेस सेम होना चाहिए ठीक है अब क्या कह रहा है हमें ड्रॉ क्या करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस हम अभी क्या देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर तो ये तो हो गया मेरा ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड गया ये इसका परपेंडिकुलर हो गया ये क्या कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस है राइट तो दिस सरफेस इज ये सरफेस क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो गया एक ये बुक को इस तरह से ड्रॉ कर दिए उसी तरह से दूसरा ऐसे भी हो सकता है लाइक दैट कर्व भी सिलेंड्रिकल भी हो सकता क्या बेटे जाए पहले तो जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे यहाँ तो दिया हुआ है सब पैरेलल
ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर और इस सरफेस पे एवरी वेयर पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट सब जगह रहेगा, 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट सब जगह रहेगा, 30 वोल्ट है तो 30 वोल्ट सब जगह रहेगा। और ध्यान देने की बात क्या है, आप इसके इसके बीच में पोटेंशियल आपको किसका ज़्यादा हुआ किसका कम होगा बताना हो तो आप क्या करोगे, किसका ज़्यादा कम होगा, आगे वाले का कम। क्यों? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। सब दिमाग को खटखट खोलने का है, इसको जितना प्रेशर डालिएगा उतने काम करेगा। इसको कहिएगा सोने के लिए, चंदा मामा सो जा तो सोया ही रहेगा। तो इसलिए योगा करना मस्ट है, टाइम मिले तो एवरीवन डू योगा। योगा आज के टाइम पहले करते थे, बादाम खाओ सूखा ये खाओ, अब हो गया है योगा कीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, दिमाग को स्ट्रांग कीजिए। योगा मस्ट है, इफ एवरीवन डूइंग योगा या तो किसी स्टेज का, हम मैं भी योगा क्यों करते हैं, अपने जॉब प्रोफाइल में एक्टिव रहने के लिए, मुझे काम करने में मुश्किल नहीं रहे, क्या मुझे बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है, कमर से भी दुखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो एक ही उपाय है, कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप लोग यंग जनरेशन हो तो बॉडी सस्टेन कर ले रहा है, हम लोग को बॉडी सस्टेन नहीं कर पाता है, तो उसका मात्र एक ही उपाय है। अब स्टूडेंट सारे आप देखिए स्कूल सब में भी योगा क्लासेज चालू हो गए, छोटे छोटे क्लासेज में भी योगा शुरू हो गया, ऑफिस सब में भी ट्रेंड बन गया है योगा करने का, बाकायदा तो वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है स्टाफ सबको, इसने जो काम करने वाले लोग टू फ्री दी स्ट्रेस। आईटी सेक्टर में देखिए बहुत ज़्यादा है, वहाँ इतनी मेंटल प्रेशर है कि कंपनी वाला जबरदस्ती कराता है कि उसका स्टाफ यदि मेंटल पीस में रहेगा तभी तो बहुत ज़्यादा काम कर पाएगा। तो उसी तरह से आप लोगों को भी चाहिए कि मॉर्निंग उठ कर टाइम मिलता है 10 मिनट 15 मिनट कम से कम स्टार्टअप रखिए, ठीक है जितना होता है उतने टाइम दिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 दे दे, वो एक आपके रूटीन में आ जाएगा तो बहुत आपके लिए फायदा करेगा बड़े, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ भी अब ध्यान देने की बात क्या है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, किसी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता स्टार्टिंग में, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर अब ये क्या हो गया, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हमने डायरेक्शन कैसे बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, किसी भी पॉइंट पर उस पॉइंट पर आप क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो। अब एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, तो किसी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसी तरह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे हम लोग, इसको देखें, यदि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, जैसे यही ले लें, एक मान लीजिए ये हो गया और एक इस तरह से ले लें, इसको मैं ड्रॉ कर दिया, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं ए एंड बी बोथ आर इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड बोथ आर परपेंडिकुलर। अब इसको ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा कैसे जस्टिफाई करेंगे, जैसे ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल का डायरेक्शन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन 90 डिग्री। जब ये वर्टिकल वाला ये कंसीडर करें तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये ही होगा, यानी इस पॉइंट पर जहां मीट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई, और जो ये आपका प्लेट परपेंडिकुलर है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एवरीवे, तो एक ही पॉइंट पर क्या देख रहे हैं दो डायरेक्शन, इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर हम क्या जानते हैं एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता। इट मीन्स दो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर हैं वो भी नहीं हो सकते,
तो इसीलिए क्या दिया हुआ है कि नो टू, इसको मिटा दो, समझ में आए बेटे, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट डाउन, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा, ऑब्जेक्टिव में बीच में दिया रहेगा उसके लिए विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस, तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस no two equi potential surface no two equipotential surface can never number ya che no nahi hua two isko no hata do two equipotential surface can never intersect can never intersect each other, कभी भी intersect नहीं करेंगे, जिस तरह से electric field lines intersect नहीं कर सकता है, इसी तरह से दो equipotential surface कभी भी intersect नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटे? अब एक second question इसमें आगे पढ़ते हैं कि dipole, जो electric dipole का electric field lines हमें पहले draw करेंगे जो जानते हैं already, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने के बाद हम उस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, वो तो अलग चीज़ है, वो कैलकुलेशन अलग था, वो हाँ कि परपेंडिकुलर तो क्या था, परपेंडिकुलर जब निकाले थे तो पोटेंशियल जीरो आया था, पोटेंशियल जीरो आया था, यानी कोई भी डाइपोल है, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ स्केच ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करना है, स्केच sketch equipotential surface, equipotential surface, sketch the equipotential surface for an electric dipole, for an electric dipole, electric dipole for an electric dipole, right बेटे? तो electric dipole करने का मतलब दो equal and opposite charges plus q minus q are separated by some distance. Two equal and opposite charges are separated by some distance, that is called electric dipole. इसको electric dipole बोलते हैं, ठीक है? ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस, जनरली हम लोग टू डी सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी, डायरेक्शन प्लस से माइनस हो, हाँ डायरेक्शन क्या था अपना, प्लस से, एक बार रिकॉल कर दोबारा थोड़ा सा, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटे, स्केच टू इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और डाइपोल मोमेंट कितना होगा, डाइपोल कितना होता है, पी का वैल्यू पी इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब चले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पहले ड्रॉ करें, क्योंकि हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस रहता है, तो ये जैसे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा और निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा,
फिर निकला टर्मिनेट, फिर निकला टर्मिनेट, उसी तरह से नीचे भी सिमेट्रिकली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकल जाएंगे, इधर निकल जाएंगे, कुछ इधर निकल जाएंगे, उसी तरह से यहाँ भी निगेटिव चार्ज है। तो यही जो बहुत दूर जाकर ऐसे घूमते 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 ये इस तरह से एंट्री मारे, ये जो लाइंस निकला किसी तरह से घूमते फिरते इस तरह से एंट्री मारे, उसी तरह से ये भी इधर से घूमते 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 इधर से एंट्री मारा लाइक दैट, ये भी इसी तरह से एंट्री किए। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम, पहले इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है, क्या होगा ये देखो, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखें ये भी क्या है परपेंडिकुलर, ये भी क्या है परपेंडिकुलर, ये सारे क्या है ये सर्कल परपेंडिकुलर, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ नॉर्मल ही रहेगा ना, सब नॉर्मल ही जाएगा सब एक छोटा सा पार्ट। हाँ 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 अभी ये तो हम लोग इतना गैप दिए ना, ये एकदम स्मॉल दे दो सारा पार्ट, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आपके प्लस टू लेवल के में पूछ सकता है। तो इसे तो मोस्टली कभी कदार नेट के लिए दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर की पोटेंशियल सरफेस इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटे, आज यही इसको रहने देते हैं, कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग, कल तो अपना केमिस्ट्री है ना, कल केमिस्ट्री करेंगे।